लॉकडाउन की वजह से कुम्हार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह से वे इस बात का इंतजार करते हैं और इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई तो उनके पास मटके खरीदने आए और कुछ आमदनी हो, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। कुम्हार बताते हैं कि एकमात्र यही उनकी आमदनी का जरिया है और सहारा भी। हर साल गर्मियों के मौसम में मिट्टी के बर्तनों की बेतहाशा बिक्री होती है। बड़ी संख्या में लोग मटका, सुराही के साथ ही अन्य मिट्टी से बनी हुई सामग्री को खरीदने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस मरतबा कोरोना की वजह से खरीदार नहीं आ रहे हैं। ऐसे में वो सुबह से ही खाली बैठे रहते हैं और 2 बजे बाद दुकानों को बंद करके खाली हाथ लौट जाते हैं। चावल दे दे चावल भला थोड़े काय कर वो लड़का मान सब्जी भर पद होते वो बस साबुन सोडा था काय कर डाल वो भाई कहाँ नान बोले न सरकार को सहमत देती सामान ला तब बन जाती। ऐसी कम ज्यादा नहीं चलते, पहली जैसे चला था इतना वैसी नहीं चला। कितना होते होते इसने 1,000, 800, 900 ऐसी दस। दस लोग आ जाते हैं, 5-10 लोग ज्यादा नहीं आ पा रहे। पहले कितने आते थे? पहले क्या है, पहले बहुत ज्यादा था सर, लगभग में 40-50 आदमी का आना जाना। हाँ, राजू चक्रधारी। गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में ही कुम्हारों की जो है वो बिक्री होती है। आज हम कुम्हार दुकान के जो सामने खड़े यहाँ पर मटके से सबसे जस्टिस जो दुकान है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लोग सुबह से ही बैठे हुए होते हैं, लेकिन बिक्री जो है वो सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। इनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इनका कहना है कि सरकार चावल तो देती है, लेकिन चावल मात्र से ही क्या होगा, हमें खर्च करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।